बहुत अच्छा अनुभव रहा। जय जगन्नाथ जी का दर्शन हुए, प्रभु ने बहुत प्यार दिया है, प्रभु का प्यार, प्रभु का आशीर्वाद महसूस हुई है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति जय जगन्नाथ मंदिर आते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते, प्रभु हमेशा कृपा करते हैं सबको जीवन में शांति से आगे बढ़ने के लिए। प्रभु हिम्मत देते हैं, शक्ति देते हैं, भक्ति देते हैं, ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, बल देते हैं। और ये जो हमारी सांस्कृतिक आध्यात्मिक धारा है, मूल्य है, हर भारतीय आज इसी से जीवन जीते हैं। और देश और विदेश में कहीं भी है, हर भारतीयों को इससे प्रेरणा मिलती है जीवन जीने की। बहुत सबका अपेक्षा ही है, सब इंतज़ार है अगले 22 तारीख को, जब हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों से जब ये प्राण प्रतिष्ठा होंगे, उसी पल के लिए सब इंतज़ार में, सब इंतज़ार में है और सब भक्ति भावना से सर ये कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। अभी क्या अपील करेंगे ये मंदिर प्रतिष्ठा के अवसर पर? कितनी बड़ी बात है हर भारतीय के लिए, जहाँ भी रहे वो भक्ति भावना से जुड़ गए हैं और यही भारतीय का पहचान है। राम राज्य आज बनने जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री ने जो पिछले दिनों में देश सेवा जिस हिसाब से की है, भक्ति भावनाओं से निरंतर मेहनत की है, ईमानदारी से काम की है, और जो उन्होंने मूल्य प्रतिष्ठा की है राजनीति की धरती पे रहते हुए भी, इसलिए आज सारे देश में एक शांति का माहौल है, सद्भावना का माहौल है, इंसानियत का भावना शक्ति से आज समाज आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हुई है। गोपबंधु आयुर्वेदा जो कॉलेज, इस कॉलेज ने बहुत साल पूरा किया है, 70 से अधिक साल हुई, तो उनके जो सफल यात्रा में जिन लोगों ने विशेष योगदान दी है सबको मैं विशेष रूप से बधाई देता हूँ। जो यहाँ इस दुनिया में नहीं रहा उनको भी मैं नमन करता हूँ। और निश्चित रूप से कॉलेज की तरफ से प्रिंसिपल जी ने जो भी बात रखी है, प्रेसिडेंट स्टूडेंट यूनियन की, अगले दिनों में उनकी मांग पूरा करने के लिए निश्चित रूप से हमारी तरफ से भी सकारात्मक कदम उठाया जाएगा। और हम चाहते हैं कि आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जिस जिस प्रदेश ने विशेष भूमिका ली है और उन प्रदेशों का साथ बातचीत करके अगले दिनों में हमारी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, रिसर्च फैसिलिटीज एंड ऑल अदर्स एस्पेक्ट ऑफ इन्वॉल्विंग द पीपल मोर एंड मोर इन टू द सेक्टर ऑफ आयुष, इस विषय पर हमारी तरफ से जो भी कदम संभव होगा हम उठाएंगे। और मैं आज विशेष रूप से पवित्र धरती में हूँ, जय जगन्नाथ मंदिर की इस पवित्र भूमि में मैं उपस्थित होकर मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य मानता हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसे एक पवित्र धरती ने आज भगवान जगन्नाथ ने जो भी आशीर्वाद भारतीय समाज को दी है, इसके वजह से आज उन्होंने अपने दुनिया में अपनी काबिलियत दिखाने में उनको भी शक्ति मिला है, भक्ति भी मिला है। तो ऐसे पवित्र भूमि में निश्चित रूप से अगले दिनों में हमें और भी जोड़ना चाहिए और हमारी भक्ति भावनाओं से हमारी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे देश सेवा की है उसी हिसाब से नई पीढ़ियों को भी उसी मार्गदर्शन को लेकर अपने देश को महान बनाने के लिए वो काम करें। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।